अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पर चल रहे किसानों का धरना आज समाप्त हो गया। प्रशासन ने किसानों के धरने को समझौते के माध्यम से खत्म करा दिया है। दरअसल कासिमपुर में किसानों का आमरण अनशन किसान नेता मनवीर सिंह तेवतिया के नेतृत्व में चल रहा था, जहां पर भारी संख्या में किसान आमरण अनशन कर रहे थे। किसानों की मांग थी कि अल्ट्राटेक कंपनी ने जिन वायदों पर जमीन ली थी उनको पूरा करे। सीमेंट कंपनी ने वायदा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों के सामने लगातार परेशानियां आ रही हैं। किसानों की इन समस्याओं की जांच के लिए प्रशासन ने जांच कमेटी बना दी है। यह जांच कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इसी आधार पर किसानों ने अपना धरना हटा दिया है। किसान था प्रदूषण से, उसकी जमीन को धोखे से लिया गया और उसका पानी का निकासी का रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, क्लिंकर से वो परेशान था, क्लिंकर की डस्ट उसके ऊपर आती थी। 7 साल से किसान झेल रहे थे इसको। मेरे पास मुकेश चौहान जी और दिनेश शर्मा जी की टीम केशव देव जी साथ ये सब लोग गए कि भैया ये समस्या है, हमारी मदद करिए। तो हमने यहाँ देखने के बाद निर्णय लिया, ये आंदोलन सीमेंट फैक्ट्री और आसपास के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके मध्य कुछ बिंदुओं पे गतिरोध था, इसको लेकर के यहाँ वार्ता की गई है। और वार्ता में ये सब दोनों पक्षों की बात विस्तार से सुनकर के उनके जो भी बिंदु थे उन पे कुछ निर्णय लिए गए हैं। और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस के तरफ से ये समेकित प्रयास किया जाएगा कि इनके मुद्दों का भी निपटारा जल्दी हो जाए और कोई कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति में। अब देखना ये होगा कि किसानों के लिए किए गए वायदे प्रशासन पूरा करता है या नहीं, या फिर जांच के नाम पर फिर से किसानों की आवाज यूं ही दब जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BPL न्यूज, अलीगढ़।